the obituary of Chandrababu, political obituary of Chandrababu Naidu and his party pops out. NDA अब आंध्र प्रदेश पर टॉप पर आ गया है. ओपिनियन पोल के नंबर आप देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि इस अलायंस का एनडीए को क्या फायदा हुआ है. आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में टीडीपी, जिसके साथ अब बीजेपी का अलायंस है, 14 सीटें टीडीपी जीत सकती है. वाईएसआर कांग्रेस जो है वो 8 सीटें जीत सकती है. बीजेपी आंध्र प्रदेश में खुद 2 सीटें जीत सकती है. वी लुक एट द एनडीए टैली बैक देन, इफ यू कंबाइन द टीडीपी, द बीजेपी एंड द जनसेना, 46.6% was their vote share, but they only won 3 seats. Remember, that was the breakup at that point. But in a combined scenario with the TDP and the Jan Sena, NDA stands to gain 18 seats with a 50% vote share. Now the winner here, at least largely from the looks of it, is Chandrababu Naidu's TDP. And here I would say very clearly that there was a lot of talk about Chandrababu Naidu itself fizzling out. And that is Andhra Pradesh. So far, the NDA is right at the halfway mark. YSRCP, 7 seats out of 25. The NDA now, with TDP and Pawan Kalyan, Jana Sena coming together with the BJP, 18 seats. देखिए, जमीन पे वही दिख रहा है कि सबसे ज्यादा मेहनत करती हुई अगर कोई पार्टी दिखी है जमीन पे तो वो टीडीपी दिखी है. और कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको कहा, साइमल्टेनियस इलेक्शन का उनको बहुत ज्यादा हम लोगों को दिखने को मिला है. ये तस्वीर नजर आ रही है. महापोल क्या कह रहा है वो आपको बता रहे हैं. 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश की, उसके अंदर से टीडीपी को 11 सीटें हासिल हो सकती है. टीडीपी इस समय एनडीए के साथ है, यानी बढ़त और फायदा एनडीए को मिल सकता है. तो देखिए, कुछ ऐसी तस्वीर नजर आ रही है. बीजेपी और एनडीए, यानी अगर बात की जाए बीजेपी और टीडीपी मिलकर जो कि एनडीए का हिस्सा है. और यहीं से देखिए, आंकड़ा भी आपके सामने आ गया है. 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में और वोट शेयर 43% वोट शेयर एनडीए के खाते में यहां जा सकता है. 2% महज इंडिया गठबंधन को मिल सकता है. उसके बाद 40% वाईएसआर सीपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है वोट शेयर. और 11%